हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको नोड जेएस का जो इनबिल्ट मॉड्यूल है जिसे हम लोग कहते हैं यूआरएल, उसका यूज आपको कैसे करना है। यूआरएल वाले मॉड्यूल का यूज किया जाता है एक वेब एड्रेस को जो है कई पोर्शन में डिवाइड करने के लिए और फिर उसके डेटा को रीड करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है वो हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करके रखा जिसके अंदर एक वेबसाइट का यूआरएल मौजूद है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बात कि मैंने जो है अभी तक अपना वेबसाइट नहीं क्रिएट किया, तो ये जो यूआरएल मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आप एक डेमो यूआरएल की तरह समझ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यूआरएल मॉड्यूल को लिंक करेंगे। इसके लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, इक्वल टू लगाना है, रिक्वायर करके जो इनबिल्ट फंक्शन है उसे आपको कॉल करना है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको यूआरएल लिखना है, फिर आपको सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद इस वाले मॉड्यूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस जो आपके पास जो ये वेब एड्रेस है उसको आप कई पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैंने यहाँ पे डेटा रख दिया, इक्वल टू लगाना है, यूआरएल वाले वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी मदद से आपने यूआरएल वाले मॉड्यूल को लिंक किया है, डॉट लगाना है, फिर आपको पार्स करके एक इनबिल्ट फंक्शन होता है आपको उसे कॉल करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको उस वाले वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके अंदर एक वेबसाइट का यूआरएल मौजूद है, जो कि मेरे केस में है एड्रेस वाला वेरिएबल, उसका कॉमा लगाना है, एक बूलियन वैल्यू लिखना जो कि होगा ट्रू, फिर आपको सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद आपका क्या होगा कि ये करते ही जो है आपके इस वाले वेरिएबल पर जो है ये जो यूआरएल है ये कई पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा और ये जो वेरिएबल है ये अब आपका एक तरीके से जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि इस यूआरएल का जो है हमें होस्ट नेम पता लगाना है, तो वो करने के लिए आपको क्या करना होगा वो अब हम लोग देखते हैं। और होस्ट नेम जो है आपका ये वाला चीज़ होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ लिखा है इस चीज़ को हम लोग होस्ट नेम कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है एक मैसेज दिखा देते हैं यूजर को होस्ट नेम, और होस्ट नेम को देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने उस वाले वेरिएबल का नाम लिखिए जिसके अंदर जो है आपने यूआरएल को पार्स किया है। तो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है, डॉट लगाया, आपको फिर जो है होस्ट लिखना है, सेमी कॉलन लगाना है, कंट्रोल प्लस एस दबा के फाइल को सेव करना है, ऊपर की तरफ जाइए, प्रोग्राम को रन करिए और ये देखिए आपका होस्ट नेम इस तरीके से आ गया। अब मान लीजिए अगर जो है आपको पाथ नेम देखना हो, और जो पाथ नेम होता है वो आपका ये चीज़ होता है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो चीज़ है ये क्वेश्चन मार्क से पहले तक का चीज़, इस चीज़ को हम लोग पाथ नेम कहते हैं। अगर ये आपको देखना है तो वो आपको कैसे देखना है, सेम वही आउटपुट दिखाने के लिए कंसोल डॉट लॉग लिखिए, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, पाथ नेम लिखेंगे, कॉलर लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे, प्लस वाला सिंबल लगा दिया, सेम वही काम करना है। कौन से वेरिएबल के अंदर जो आपने यूआरएल को पार्स किया उसका नाम लिखिए जो कि डेटा वाला वेरिएबल, डॉट लगाइए, पाथ नेम करके प्रॉपर्टी है उसे कॉल करिए, सेमी कॉलर लगाइए, कंट्रोल प्लस एस दबा के फाइल को सेव करिए, ऊपर की तरफ जाइए, प्रोग्राम को रन करिए, जैसे आप रन करेंगे तो ये देखिए आपका पाथ नेम जो है आपका इस तरीके से आ गया। अब अगर आपको ये क्वेश्चन मार्क से लेकर यहाँ तक का जो है डेटा चाहिए तो वो आपको कैसे करना है वो अब हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए जो आपको कंसोल डॉट लॉग लिखना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस चीज़ को जो हम लोग सर्च यहाँ पे कहते हैं ये लिख देते हैं, प्लस लगाना है, डेटा वाले वेरिएबल का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, आपको सर्च लिखना है। और ये लिखते ही क्या होगा कि आपके क्वेश्चन मार्क से लेके यहाँ तक जो भी डेटा रहेगा वो आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, कंट्रोल प्लस एस दबा के फाइल को सेव करना है, प्रोग्राम को रन करिए और ये देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से चीज़ मिल गया। अब अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि ये जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला पोर्शन क्वेश्चन मार्क से यहाँ तक का पोर्शन, ये अगर आप चाहते हैं कि एक जेसन डेटा में कन्वर्ट हो जाए तो ये करने के लिए आपको क्या करना है वो अब हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने यहाँ पर टेम्प रख दिया, इक्वल टू लगाना है, फिर जो है आपको ये डेटा वाला जो वेरिएबल है उसे आपको कॉल करना है जिसके अंदर जो आपने यूआरएल को पास किया था, डॉट लगाना है, आपको क्वेरी करके एक प्रॉपर्टी है उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा, सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद हम लोग जो है कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे और जो है हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा दिखाएंगे और ये जो डेटा होगा आपका जेसन टाइप का डेटा होगा, जेसन जो होता है वो आपका एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, तो इसको जो है हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके एक फंक्शन होता है, आपको उसे कॉल करना है और ये टेम्प वाले जो वेरिएबल उसको इसके अंदर पास कर देना है, सेमी कॉलन लगाना है, कंट्रोल प्लस एस दबा के फाइल को सेव करना है, ऊपर जाइए, ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करिए और ये देखिए ये जो पहले आपने जो ये डेटा था आपका क्वेश्चन मार्क से लेके यहाँ तक का डेटा वो अब देखिए आपके जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आपको इस डेटा को एक्सेस करना होगा तो आप कैसे करेंगे, इसको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा और फिर हम लोगों ने जैसे यहाँ पे लिखा कि आईडी क्या है वो हमें आउटपुट में दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
कि ये टेम्प वाले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, आईडी लिख देंगे इस तरीके से, तो हम उस वाले वेरिएबल की वैल्यू को जो एक्सेस कर पाएंगे, सेमी कॉलन लगा दिया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वेरिएबल है ये आपका गेट वेरिएबल है। अगर आप लोगों ने गेट मेथड और पोस्ट मेथड के बारे में पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि ये जो आपका गेट वेरिएबल है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया कैटेगरी, और कैटेगरी में जो है वही मैंने टेम्प लिखा, डॉट लगाया, की का नाम लिखिए, की का नाम क्या है आपका कैट है, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। कंट्रोल प्रोसेस दबा के प्रोफाइल को सेव करना है, प्रोग्राम को रन करना है। रन करते ये देखिए आईडी वाले जो आपका जो गेट वेरिएबल था उस पर जो डेटा मौजूद था उसे आप एक्सेस कर सकते हैं, कैटेगरी करके जो गेट वेरिएबल था उसका डेटा आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपको URL मॉड्यूल का यूज़ करना। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि URL मॉड्यूल में और भी कई सारे इनबिल्ट फंक्शन मौजूद है जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, और इस समय जो है आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी भी नहीं है। अगर हम लोग आगे कहीं उसके वर्क करेंगे कोई ऐसी चीज़ पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अगर इस वीडियो से कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।